दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का डोज आज का शुरू करते हैं। लक्ष्य डेट याद रखिएगा 12 जून, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ऑनलाइनर है, कैंसर मून शॉट क्या है ये ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या है। तो आप इसको ये यूएसए का एक कार्यक्रम है कैंसर के अगेंस्ट, जो मतलब उसको कम उसके कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के लिए ये चलाया गया है। ये कैंसर शॉट मून शॉट जो प्रोग्राम था ये ओबामा प्रशासन में शुरू किया गया था, बीच में किन्हीं कारणों से बंद था, लेकिन अभी फिर से इसको प्रारंभ किया गया है और इससे होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैंसर मून शॉट ऐसे करके पूछ लेगा कि किस देश का प्रोग्राम है या क्या है करके, तो आप याद रखिएगा ये कैंसर से रिलेटेड जागरूकता प्रोग्राम है और ये किसका है, अमेरिका का, यूएसए का। ठीक, मिशन भगीरथ क्या है, मिशन भगीरथ ये तेलंगाना सरकार का है पेयजल स्रोतों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए। ठीक है, मिशन भगीरथ याद रखिएगा। कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है, तो ये कार टी सेल थेरेपी ये कैंसर से संबंधित है, कार से कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ वैसा बैटरी से संबंधित नहीं है, ये काइमेटिक एंटीजन रिसेप्टर करके है टी सेल थेरेपी, तो याद रखिएगा इसको। ठीक, कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है, ये कैंसर से। नेक्स्ट देखते हैं सुपर हार्नेट, सुपर हार्नेट क्या है, सुपर हार्नेट ये कीवर्ड्स याद रखिएगा क्योंकि कीवर्ड देके पूछ लेते हैं कि क्या है ये। तो ये एक लड़ाकू विमान है यूएसए का, ठीक है, इसको ख़रीदने की बात चल रही है, इसमें कुछ ये राफेल के मतलब पैरेलल ही है ये भी, तो सुपर हार्नेट ये यूएसए का है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना, तो अभी लगभग सभी राज्यों में ये हो चुका है। ठीक है, अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वो ये अभी शुरू की गई थी हाल ही फिलहाल में 2021 में ही, तो इससे सभी, अब इससे क्या है कि जो प्रवासी मजदूर या कोई भी होगा जो जिसके पास कार्ड होगा राशन कार्ड, वो कहीं भी पूरे जो पूरे देश में लगभग कहीं भी जाएगा वो अपने राशन वहाँ ले सकता है जहाँ पर वो रह रहा है। ठीक है, इससे प्रवासियों को बहुत दिक्कत हुई थी बीच में जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए ये योजना लाई गई थी और ये काफ़ी अच्छी योजना है। ठीक है, तो इससे कहीं भी रहेंगे अपना वो राशन ले सकते हैं। आईटी क्षेत्र के लिए समर्पित एक प्रौद्योगिकी पार्क मेघालय में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा कहाँ खोला जाएगा, मेघालय में। जेएनयू की पहली महिला कुलपति, ध्यान रखिएगा एक तो पहली पहली पहला जहाँ शब्द लग जाए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको, ये कौन कौन बनी है, शांति श्री धुलीपति। ठीक, याद रखिएगा नाम, याद रखिएगा शांति श्री धुलीपति, ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है, ये अगले 5 वर्षों के लिए रहेंगी और एम जगदीश कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। मतलब एम जगदीश कुमार जो है वो देखिए नेक्स्ट जो वही लिखा हुआ है मैंने, उनकी जो उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में हुआ है एम जगदीश कुमार, तो ये भी ध्यान रखिएगा यूजीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो एम जगदीश कुमार बने हैं और उन्हीं का स्थान लेंगी ये शांति श्री धुलीपति। ठीक, याद रखिएगा ये नाम। बांग्लादेश और भारत सीमा पर नया एक बॉर्डर हार्ट की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, ये इनका इन दोनों देशों के बीच जो है कुल 8 ऐसे हार्ट खोलने हैं, ये हार्ट बाजार हैं एक तरीके से, सीमा पर खोले जाएंगे जिसमें कि दोनों देशों के देश कुछ एक लिमिट है कि दो चार दो एक एक दो किलोमीटर के अंदर के लोग आके यहाँ पर जो है अपना मार्केटिंग करेंगे, दुकान लगाएंगे, सब्जी और जो भी सामान है। ठीक, तो ये कुल 8 खोलने हैं, अभी 2 पहले से चल रही हैं, ये तीसरा है ये। ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ पे, कमालपुर और कुमारघाट में, त्रिपुरा बांग्लादेश। आज का क्वेश्चन बताइए आप, कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए ये परय शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल, परय शिक्षालय किसकी योजना है, ये बंगाल सरकार की योजना है। ठीक,
पराय शिक्षालय, ये ओपन एयर क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट है ये बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। तो ये पराय शिक्षालय याद रखिएगा, ठीक है। तो जो यूनिक नाम देखें उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट जो अभी हुआ था 2022 का, जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें कितने विमानों ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। तो चूंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस, अभी सब कुछ 75वें गणतंत्र दिवस के ही उसमें सब मनाया जा रहा था, तो आप ये मान के चलिए कि जो गणतंत्र दिवस तो ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस पे जो मनाया जा रहा फ्लाई पास्ट हुआ था उसमें 75 विमानों ने भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो सकता है पूछ लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के डेली करंट अफेयर्स का जो डोज है यहीं तक। आप वो वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपसे मैंने जो सवाल पूछे हैं। और आप नए हैं तो ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद।